सो so, 2019 थाउजेंड नाइनटीन वन प्लस फैस के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि वन प्लस इस साल कुछ ऐसा करने वाला है जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं किया आपने बिल्कुल सही गैस किया है वन प्लस सेवन प्रो कन्फर्म हो चुका है और इस नए डिवाइस के सभी स्पेसिफिकेशनस भी कन्फर्म हो चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट तक सही होने वाले हैं तो अगर आप वन प्लस के अपकमिंग लेटेस्ट डिवाइस को खरीदने की फिराक में हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको इन डिवाइस के स्पेसिफिकेशन फीचर्स प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बड़ा प्रॉमस इट्स डेफिनेटली वर्दी टू वॉ द फुल वीडियो क्योंकि मैंने इस डिवाइस रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो अगर आप मेरे पास पहली बार सुन रहे हो यानी कि चैनल पर नए हो तो यार नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास में जो बेलोटिफिकेशन का आइन है उस पर भी क्लिक कर दो क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरह का एकदम मस्त कंटेंट अपलोड करने वाला हूं जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस करो एंड गाइज आगे चलकर अगर आपको किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना सो माई ने मिस किंकर यू गाइज अ वॉचिंग टिप टॉप टैग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर प्रेशियस टाइम लेट्स जस्ट जंप इन टू द वीडियो राइट तो वन प्लस हर साल अपने दो डिवाइसेज रिलीज करता है पहले एक स्टैंडर्ड वेरियंट जैसे वन प्लस सिक्स एंड फिर अगले छह महीने में उसका एक स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन यानी कि टी वेरियंट लॉन्च करता है जैसे कि वन प्लस सिक्सटी बट इस साल मे फोर्टीथ को वन प्लस वन प्लस सेवन के तीन वेरियंट्स एक साथ लॉन्च करने वाला है जो कि यह वन प्लस सेवन वन प्लस सेवन प्रो एंड वन प्लस सेवन प्रो का एक फाइव जी वेरियंट सो द रिलीज डेट इज कन्फर्म्ड एंड वन प्लस सेवन सीरीज इज लॉन्चिंग ग्लोबली ऑन फोर्टीन ऑफ में नाउ मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशन वन प्लस सेवन एंड वन प्लस सेवन प्रो के बीच में बहुत सारे अबाउट द डिस्प्ले सोन प्लस सेवन में आपको सिक्स पॉइंट फोर इंच की ऑप्टिकामोलेट डिस्प्ले मिलने वाली है वही वन प्लस प्रो में आपको इंच की सुपर ऑप्टिकामोलेट डिस्प्ले मिलेगी एंड वन प्लस प्रो में मिलने वाली डिस्प्ले कर्व्ड होगी यानी कि लेफ्ट एंड right राइट एजेस से ये बिल्कुल सैमसंग के इन्फिटी डिस्प्लेस की तरह ही कव्ड होने वाली है और इस डिस्प्ले में आपको कोई भी नॉच या कैमरा कटआउट नहीं मिलने

स्मूद हो जाएगा एज द डिस्प्ले डायना चेंजेज द रिफ्रेश रेट सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको मिल रहे हैं यानी कि आपका जीपी एक सेकंड में फ्रेम्स पर आउटपुट दे रहा है पर की डिस्प्ले डिस्प्ले में आप इस का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये एक सेकंड में सिर्फ सिक्सटी हर्ट कैप्चर कर सकता है मतलब आपको अब सिक्सटी एफपीएस इस तरह के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा वही अगर रिफ्रेश रेट सिक्सटी से बढ़कर नाइन्टी हर्ट्स हो जाए तो ये डिस्प्ले ज्यादा फ्रेम रेट्स को कैप्चर कर सकता है और विजुअली देखने में भी आपको डिफरेंस साफ साफ पता लग जाएगा

को कंसिड करोगे तो कैमरा ऑप्टिक्स काफी इंप्रेसिव है एंड आई एम होपिंग कि OnePlus अब की बार अपने इमेज प्रोसेसिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करे ताकि ये कैमरा सेंसर्स अपने बेस्ट आउटपुट रिजल्ट दे पाए इन द तो बैटरी डिपार्टमेंट वन प्लस सेवन में आपको 60 की थर्टी सेवन हंड्रेड एमएच की बैटरी मिलेगी वन प्लस सेवन प्रो में आपको फोर थाउजेंड एमएच की बिगो बैटरी मिलने वाली है विद यूस बी थ्री पॉइंट वन एंड थर्टी वॉट वॉप चार्जिंग सपोर्ट क्वाड एच डी प्लस पैनल एंड नाइन्टी हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ प्रो की फोर थाउजेंड एमएच की बैटरी भी बैकअप के मामले में सिक्सटी की बैटरी से पहले दम तोड़ देगी बट आई 7 प्रो में आपको सेटिंग्स में रेजर फोन की तरह ही कस्टम रिफ्रेश रेट को 90 हर्ड से चेंज करके 60 हर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा ताकि आप बैटरी बैकअप को थोड़ा इंप्रूव कर सको डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहेगा कि वन प्लस सेवन सीरीज के फोन में आपको माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट एंड थ्री पॉइंट फाइव एम एम हेडफोन जैक नहीं मिलेगा और साथ ही में आपको वायरलेस चार्जिंग एंड वाटर प्रूफिंग के लिए आई पी सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलने वाली बट अब की आपको इस डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर सेट देखने को मिलेगा यानी कि साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड होने वाली है अब अगर बिल्ड एंड डिजाइन की थोड़ी सी बात की जाए तो

वन प्लस सिक्स यूजर हो तो वो है एलईडी नोटिफिकेशन लाइट बट यू कैन यूज द एम्बी डिस्प्ले फीचर टू चेक योर डिवाइस नोटिफिकेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स दिस फोन विल रन ऑन ऑक्सीजन ओ एस जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड नाइन कि पाई पे एंड फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड क्यू का अपडेट भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तो आप ओ एस फंशनलिटी एंड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस के साथ हमेशा अप टू डेट रहोगे अब कोर हार्डवेयर डिपार्टमेंट में आप डाउट कर ही नहीं सकते कि इसमें आपको कॉलको का लेटेस्ट चिप ना मिले तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलेगा फाइव मिलेगा अगर इस डिवाइस के रैम वेरिएंट एंड प्राइसिंग की बात की जाए

अभी ये डिवाइस खुद फ्लैगशिप रेंज में चला गया है और इसमें आपको छह जी बी रैम वर्जन भी देखने को नहीं मिलेगा यानी कि वन प्लस प्रो में आपको एट जी बी रैम प्लस टू फिफ्टी सिक्स जी बी रोम वेरियंट एंड एट जी बी रैम प्लस फाइव ट्वेल्व जी बी सकता है एंड साथ ही में इसमें आपको एडोन टेन जी बी वाला रैम वर्जन भी देखने को मिल सकता है जिसकी प्राइस स्टार्ट होगी फोर्टी एट ट्रिपल नाइन इंडियन रुपीज से एंड वन प्लस सेवन प्रो के फाइव जी वर्जन की प्राइस भी एट जी बी रैम एंड टू फिफ्टी सिक्स जीबी रोम के साथ अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी फाइव थाउजेंड इंडियन रुपीज होने वाली है पर यह फाइव जी वेरियंट इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला सो so, यहाँ पे वन प्लस ने काफी अच्छा स्मार्ट वर्क किया है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे कि इनके डिवाइस में फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स लैक करते हैं तो फाइनली वनप्लस ने वन प्लस सेवन प्रो में इन सारे फीचर्स को एड कर दिया है हालांकि अभी भी बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं जैसे कि आई पी सर्टिफिकेशन वाटर प्रूफिंग हेडफोन जैक वगैरह वगैरह बट ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वन प्लस में डैश चार्जिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ऐसे में वन प्लस नहीं चाहता कि वो उसमें वायरलेस चार्जिंग एड करके प्राइस को बढ़ा के लाइक स्लो चार्जिंग को इंप्लीमेंट करे उसके अलावा आई पी सर्टिफिकेशन पॉपअप कैमरा के साथ काम नहीं कर सकता तो यहाँ पे आपको वाटर प्रूफिंग भी नहीं मिलेगी थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक कर उन्होंने वन प्लस सिक्सटी से ही हटा दिया था क्योंकि उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को इंप्लीमेंट किया था तो जो थ्री पॉइंट फाइव हेडफोन जैक है उसका जो स्पेस है वो इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल सेंसर ने ले ली थी बट इस डिवाइस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी हुई हैं डिस्प्ले बैटरी बैकअप एंड ओवरऑल इसका जो फॉर्म फैक्टर है उसमें भी आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे बट वन प्लस 7 मुझे यहाँ पे एक कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है क्योंकि इस डिवाइस में कोई भी खास अपग्रेड नहीं हुआ है सिवाय प्रोसेसर के तो अगर आप वन प्लस सिक्स या फिर सिक्सटी यूज कर रहे हो तो ऐसे में वन प्लस सेवन में अपग्रेड करने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा बट अगर आप वन प्लस सेवन प्रो को अफोर्ड कर सकते हो देन आप उसे एक वर्दी अपग्रेड कह सकते हो बट अगेन जो प्राइस रेंज है वो एक फ्लैगशिप किलर की रेंज को क्रॉस कर चुकी है एंड अब यह डिवाइस फ्लैगशिप रेंज में ही कंसिडर होगा हालांकि प्राइस थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू सैमसंग या फिर आईफोन के फ्लैगशिप्स बट स्टिल प्राइस फोर्टी यानी कि लगभग पचास के आसपास पहुंच गई है तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा सो लेट सी हाउ इट गोज एंड कमेंट वैसे मुझे जरूर बताना कि अगर आप वन प्लस सिक्स या फिर वन प्लस में बट इन एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा तो मैं इस डिवाइस से रिलेटेड सारी जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर देता रहूंगा तो ऐसे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड गाइज uh, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पर आपको मेरा यूजर नेम दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ इंस्टाग्राम पर तो आपके डी एम का लाइक इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा तो आप जाके इंटाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग आल कैच इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय पीस